सीहोर में तबादला होने से नाराज नर्स बारिश के बीच सड़क पर लेट गई। लाड़कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्थानांतरित नर्स का आरोप है कि उसे बिना वजह परेशान किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। दरअसल लाड़कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ दिन पहले अस्पताल का कबाड़ा बेचने के आरोप लगे थे। यहाँ डिलीवरी केस में लापरवाही बरतने का मामला भी सामने आ चुका है। दोनों ही मामलों में जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है। शुक्रवार को नर्स रीना मालविया का तबादला कर दिया गया। बता दें कि पिछले दिनों डॉक्टरों की लापरवाही से 20 दिन के नवजात बच्चों की मौत हो गई थी, जिसकी खबर एमके न्यूज ने प्रमुखता से चलाई थी। जैसे काम मिला शॉप पर जाने लगी, शॉप का मैनेजमेंट किया मैंने, उसके बाद तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाया। एम्बुलेंस आने में 40 मिनट का टाइम बता रहे थे। तो पर्सनल गाड़ी करके थी, उनको उसमें ऑक्सीजन नहीं था, मैदा गैस में तो कम जाना सिचुएशन। मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर खुद आगे देखकर उसमें रखवाया गाड़ी में और उसको रेफर किया। सर रात में जो महिला भर्ती हुई थी, किस डॉक्टर की ड्यूटी हुई? रात को डॉक्टर महेश पांडे की ड्यूटी थी। तो क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता था कि महिला की देख रेख करें या इमरजेंसी है तो उन्हें बाहर रेफर करना बनता है? तो क्या कारण रहा? उनसे पूछिएगा। शर्मा जी का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब उसको थोड़ा समझाइश दे के, आपका स्टाफ है और SDOP सर का फ़ोन आया कि आप समझाइश दे के आप उसको जो है उसको समझाएं कि वो रोड पे ना बैठे, क्योंकि रोड पे बैठने से अव्यवस्थाएँ हो रही थी, पूरा चक्का जाम हो रहा था, वहाँ पर गाड़ियाँ लाइन से लग रही थी। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैं वैसे ही जो है राउंड अपना छोड़ के, जो कि मैं सिविल हॉस्पिटल का ले रहा था, तुरंत गाड़ी से आया और उसको समझाइश दी कि आपको जो भी अपना पक्ष रखना है वो बैठ के रखिए, ना कि ऐसे रोड पर आप जो है चक्का जाम करें या रोड पर बैठे, या उचित नहीं रहता है। देखिए सर, मैं यहाँ पर 2015 से स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ और मेरे द्वारा कई डिलीवरियाँ कराई गई है सर। एक ही डिलीवरी का मुद्दा नहीं है जो मेरे को यहाँ पे शिकायत की जा रही है या मुझे हटाया जा रहा है जी। मुद्दा ये है कि मैंने पहले भी इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की उसके विषय में इन्होंने मुझे सस्पेंड या ट्रांसफर की धमकी दी है और करवा भी रहे हैं, और मेरे को ना मेरी अटेंडेंस जाती है। देखिए, आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं वो दो मामले में जांच के लिए आए हैं। एक जो पहले शिकायत मिली थी, अनुमति के बिना डॉक्टर जायसवाल ने कबाड़ में जो दानदाताओं द्वारा दान की गई राशि के लिए, उस संबंध में जांच की जा रही है। और कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आया था जिसमें एक नवजात शिशु की मृत्यु हुई थी, तो उस केस में हमारे द्वारा बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आज से ही जांच शुरू हुई है। 2 दिवस के बाद इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। के ऊपर सर ये भी है कि आप यहाँ प्रभारी हैं, परंतु पहले जो आप प्रभारी थे उस दौरान से ही जो सिस्टर हैं, जो नर्स है, जो अभी यहाँ बाहर सड़क पे बैठे थे, उनने आरोप लगाया कि आप उनकी तनख्वाही नहीं बनवाते थे। नहीं, तनख्वाह कभी नहीं रुकी है उनकी, वो तो उसके आरोप गलत है।